भरी हुई है। ये देखें जी, अब फुजैल के आपको उठा रहे हैं कि उठ जाओ। बिट्टू दिल भर के फुजैल जी। अभी सुबह का टाइम है और उठते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। वो सामने मेरे जायनमाज और स्वेटर्स वगैरह पड़े हैं और रात को बारिश भी हो रही थी। गैलरी का दरवाज़ा खोलें और बच्चों को भी देखें बाहर क्या कर रहे हैं। शोर मचाया हुआ इन्होंने सुबह से कि उठ जाओ और अब हमें ना खाना दे दो। तो बस अब उठते हैं, बाहर जाते हैं। ये देखा रात को ना बारिश भी आई थी और आंधी भी चल रही थी, कितना गंदा हो गया और सारा। लेकिन अभी भी बादल बादल हैं। वो देखें दरवाजे के पास ही खड़े हैं, उनको पता चल गया मैं उठ गई हूँ, कि मेरी तस्वीरें यहीं लगी रहती हैं। ओए आप सारे यहाँ क्या? ऐसे हमारा वेट करते हैं दरवाजे को, नोच नोच के हमें उठाते हैं कि उठ जाओ आप, बस हो गई है। ये पानी भी गिराया हुआ सारा, ये देखें दरवाजे की हालत। ये देखें जी, अब फुजैल के आपको उठा रहे हैं कि उठ जाओ। क्या उठा क्या है जीवा, आप क्या कह रही है? हाँ दादा, दादू दरा अब उठ जाओ भाई, वो कह रहे हैं हमें खाना दे दो। ये कहाँ से निकला है जी डैनो, कहाँ से निकला है डैनो? ये देखें जी, अब सब कह रहे हैं कि उठो और अब हमें खाना दे दो। मफिन तो दबा दबा के मिनटें करने लग गया, नहीं प्यार कर रहा है, मोहब्बत जता रहा है। मैक्स भी दबा रहा है। चाचा चाचा चाचा, साशा तो लड़ाई करके उठाती है। ओ मैडम को देखो। मैडम क्या चेक कर रही है कि अंदर फोन है ब्लैंकेट के अंदर? मैडम गोल्ड मेडलिस्ट है। ओ बग्गी को देखो, बग्गी भी दो तो बात है। डिडियो इतना पार्लर डिडियो में अब चलें जी, उठ जाएं। अब हमारी डेली मॉर्निंग इसी तरह से होती है, ऐसे ही हमारा स्टार्ट होता है। ये लड़का बहुत चीखता है, ये सुल्तान बहुत चीखता है, सुल्तान बहुत चीखता है ना सुल्तान? सुल्तान तो बहुत चीखता है। चलो जी, मेरा तो तुमने इनको क्यों खोल दिया, मुझे थोड़ी सी सोने देती। नहीं अब सोने का टाइम नहीं है। आप क्यों नहीं आए, आप और वो मिस मैडम क्यों नहीं आई अंदर? आप किचन में बैठ के वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मुझे दो दिन से व्लॉग में हर कोई बग्गी 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 कर रहा है कि अभी बग्गी कहाँ पे है, बग्गी को तो दिखा दें। बग्गी यहाँ पे फेर है, बग्गी की हरकतें। ये सारी मेरी ड्रॉर्स खोली हुई हैं, ये इन दोनों के काम है, बगीरा के काम है और कायली के काम है। ये पता नहीं ड्रॉर के अंदर से क्या निकालने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बगीरा बग्गी क्या कर रहे हो? अब मैंने वो गैलरी का दरवाजा बंद किया तो बाहर जाना चाह रहा है और सर्दी हो रही। इसके अंदर कोई घुसा हुआ है। शुक्र है मैंने जोर से ड्रॉर नहीं बंद कर दी अभी, पता नहीं कौन पीछे गया हुआ है। ये कैट्स भी क्या काम करती हैं भाई, पता नहीं कौन है अंदर। अब ये निकलेंगे कैसे, मुझे सब कुछ निकालना पड़ेगा। मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है कोई तो है अंदर। ये देखा कौन है जी, आए हाय इन्होंने मेरा अच्छा काम बढ़ा दिया। अब मैं ये निकालूं कपड़े ताकि जो भी बच्चा है वो बाहर आ सके। पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये। ओ
साशा का स्टाइल देखे बैठने का। साशा अपनी क्लीनिंग कर रही है, कैसे बैठी हुई, कितनी प्यारी लग रही है। आ जाओ मोटो। मोटी नूर अंदर गई हुई थी। चलो निकलो बाय, चलो 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 चलो। शुक्र है मैंने जोर से बंद नहीं कर दिया। अफलातून बच्चे हैं ये भी ना। बिटू दिल भर गया ऊपर से, आज सुबह से शार्ली छत पे है ना। और बच्चे जी आज एंजॉय कर रहे हैं धूप। जिस दिन धूप निकली होती है अच्छी सी, तो मैं इनको बाहर ज़रूर लेकर आती होती हूँ गैरेज में, और छत पे भी। अच्छा ज़्यादातर बच्चे छत पे नहीं जाते हैं, वो डरते हैं, वो नीचे गैरेज में ही फिरते रहते हैं। कुछ बच जाते हैं छत पे, फिर कर आ जाते हैं नीचे। और यहाँ पे साशा को सुल्तान जो है ना, नहीं सुलेमान प्यार कर रहा है बहुत ज़्यादा। बच्चों का जी नीचे आने का मूड बिल्कुल नहीं होता, इनका बस चले सारा दिन छत पर रहे। कायली नहीं जाती, कायली एक दफा छत से गिरी थी ना, उसके बाद कायली दोबारा नहीं छत पे जाती। कायली डर बैठ गया इसके दिल में। कायली आप क्यों नहीं आते ऊपर? मेरे एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे अभी, आपने सेंटर टेबल चेंज की है, तो ये हमारा ड्राइंग रूम वाला टेबल है। जो यहाँ वाला टेबल था मैंने ड्राइंग रूम में रख दिया, और ड्राइंग रूम वाला मैं इधर ले आई हूँ। मिस्टर जीगी भी बाहर देख रहे हैं। मिस्टर जीगी के भी बहुत डरता है, छत पे नहीं आता। फजाइल देख रहा है। आपका मुँह कितना प्यारा है, और आपका मुँह कितना प्यारा है माशाल्लाह। क्या देख रही है ये? हाँ आपको देख रही है फुदैल। कौन? ये मोटो, आजकल मोटो ही हुई है स्कूबी की बेटी। जैसा डब्बा वैसे ही कपड़े, ये क्या कोइंसिडेंस होता है तुम्हारे साथ? ये जी आप लोग बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा कौन फरमाइश कर रहा था, नाम बताओ उसका। उसबा कमर। हाँ उसबा कमर जो है वो आपकी फरमाइश पे नहीं, मैं इसको दोबारा बना रही हूँ। वैसे तो ये मैंने बनाने थे लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। वो मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उनके मैसेज पढ़ते हैं। अब जो जो मैसेज करता है ना, हम सब के मैसेज रीड करते हैं। आपकी फरमाइश पे मैंने ये दोबारा बना लिए हैं, तो जल्दी से जाएं मेरे दूसरे चैनल पर और उसकी रेसिपी देख लें। हाँ रिदा फुजाइल वाले चैनल पे जाएं, वहाँ पे भी अब हम रेगुलर हो गए हैं। अब ये खजूर के लड्डू की, खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। डाइट फ्रेंडली है, बहुत पसंद आएंगे आपको। तो मेरे खजूर के और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन गए हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और एनर्जी बूस्टर का काम देते हैं, और रमज़ान के लिए भी ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है कि इफ्तारी के टाइम आप खजूर की जगह इससे भी रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, द कैट्स प्लैनेट के नाम से। जाएं वेबसाइट को ओपन करें, वहाँ पे आपको आपकी कैट से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी, और रेफ्लेक्स भी जो शॉर्ट हुआ हुआ था वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी रीस्टॉक हो जाएगा, और बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं। तो जाएं और वेबसाइट को विज़िट करें, और कैट्स के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जाके ले लें। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता वेबसाइट का, नहीं मिलती, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, या फिर आप वैसे ही सर्च कर सकते हैं www.thecatsplanets.com के नाम से। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, उसको ऐड टू कार्ट करें, या डायरेक्ट चेकआउट भी कर सकते हैं।
ऐड टू कार्ट किए हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको ऊपर एनवेलप के जो आपको एक साइन बना हुआ आ रहा है वहाँ पे मिल जाते हैं, और जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं एक दफ़ा ऐड टू कार्ट कर लें और उसके बाद सबका एक साथ बिल बना लें। इस तरह से आपको डिलीवरी चार्जेस कम लगते हैं, जितने भी मर्ज़ी आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं सब पे एक ही डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अभी मैं जा रही हूँ मामा के घर और आज वेदर बहुत प्यारा है, मैं आपको बैक कैमरा से भी अभी दिखाती हूँ। और वैसे तो मैं रात को जाती हूँ, आज ज़रा जल्दी जा रही हूँ। सो आप सुनाएं और आपके सिटीज़ में कैसा वेदर है? यहाँ तो बहुत प्यारा हो रहा है, लग रहा है जैसे बारिश आई थी। शायद आ भी जाए, दिखाती हूँ आपको वेदर। ये देखें बड़ा प्यारा वेदर हो रहा है। आपका खाना कोई खा गया? कोई और खा गया बीबी का खाना? बीबी फुजैल से बातें तो देखें करता है, हाथ नहीं लगाने देता। खाना कहाँ गया? कहाँ गया खाना? बेबी का खाना कहाँ गया? बाहर निकलो, आ जाओ। हाय अल्लाह, शेर खान पे इतना गुस्सा, भाई है ना वो आपका। गुस्से से भरी हुई है लड़की, इतना भरी हुई है। बेचारा डर गया। हाय अल्लाह, मासूम शरीफ सा बच्चा डर गया। बानो, हाय अल्लाह बानो। नहीं ये बोल रहा कि इसके दादा को भेजता हूँ। दादा दादा, हाँ दादा तो वैसे ही पागल हो जाएगा। दादा को ना भेजे, दादा मारेगा इसे। दादा जान, दादा जान, दादा एक ऑडिट करो, बिल्कुल एक शक्ल लगा देगी। दादा जान इतना आएंगे आप जरा? ओए अल्लाह दादा, दादे मारना नहीं, दादे को सुना, दादे को अकल ही नहीं है। नहीं दादे को सुनाई नहीं देता। दादे उधर तो देख ले। वो दादा डर गया, उसने कहा ये तो बड़ी लड़ाकी है, मैं नहीं आता यहाँ। दादे की शक्ल तो कहो माशाल्लाह। नूर बानो से डर के देखें शेर खान कहाँ बैठ गया है। इतना डर नूर बानो का। नूर बानो, इन्हीं के घर में आकर इनको डराती हो? बानो उसको देख रही है फिर। हाय अल्लाह, इतने मासूम मासूम बच्चे, इतने मासूम मासूम बच्चे। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और वेबसाइट का नहीं पता चलता कि कहां से ऑर्डर प्लेस करना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और कैट्स के लिए जो कुछ भी चाहिए वहां से बाय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।